ये देख सकते हैं दोस्तों, इसमें इस टाइप की आवाज़ आ रही है। ये जब पानी आप डालेंगे तो पानी से भी आवाज़ आएगी। नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेश कुमार और आप देख रहे हैं भारतीय कंस्ट्रक्शन लाइन चैनल। दोस्तों, ये आज हमने डबल मोल्डिंग का किचन बनाया है, हालांकि ये कंप्लीट नहीं हुआ है। ये देख सकते हैं आप, ये बाजरी डोट पत्थर है और जो कि 75 से 80 रुपए की रेंज का पत्थर है। इस वीडियो में दोस्तों आपको मैं इस बेसिंग की बारे में इंफॉर्मेशन दूंगा। अक्सर क्या होता है कि सभी घरों के अंदर ये बेसिंग अपन लोग लगाते हैं या मालक लोग लगवाते हैं, तो क्या होता है कि जब भी ये नल है, नल चालू होते हैं तो ये आवाज़ करता है नल की वजह से, या फिर जो बर्तन बांडे होते हैं तो वो बर्तन बांडे अंदर डालने से आवाज़ करता है ये बेसिंग। तो उसका एक आइडिया मैं आपको बता दूं, जैसे आप इस नीचे से क्या होता है, कई कई जगहों पे तो लोग क्या करते हैं कि ये जो बेसिंग है नीचे आप देख रहे हैं, इसका एक बॉक्स बना देते हैं और उसको माल वगैरह से भर के, और उससे क्या होता है नीचे बॉक्स बना के और उसमें माल वाल भर देते हैं, तो ये जो बेसिंग है ये नीचे से पूरा पैक हो जाता है। तो पैक होने की वजह से ये आवाज़ नहीं करता है। और यदि उस टाइप से आप नहीं बनाते हैं, मेरे ख्याल से ज़्यादातर इलाकों में ये जैसे ही किचन बना हुआ है सेम ऐसे ही बनाते हैं। वो जो मैं फार्मूला बता रहा हूँ नीचे बॉक्स बना के, वो बहुत कम जगहों पे वैसा बनता है। तो इसमें एक चीज़ ज़रूर होती है कि जब भी ये नल चालू करते हैं या बर्तन मांडे धोते हैं तो ये बेसिंग थोड़ा आवाज़ करता है, क्योंकि ये नीचे से पूरा खुला रहता है, इसकी वजह से इसमें आवाज़ ज़्यादा आती है। तो इसका एक छोटा सा एक उपाय मैं आपको बता देता हूँ, और यदि पार्टी लोग या मालक लोग भी यदि इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप भी मिस्त्री को बोल के ऐसा करवा सकते हैं, तो वो मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा। तो तब तक आप वीडियो को पूरा देखते रहिए। है वो 16-18 की है और इसका जो डीप है वो इसका 9 इंची का है, और ये डबल मोल्डिंग का किचन है। और कल इसमें हम पर्दा, इसके जो खड़े पर्दे हैं देख सकते हैं, ये डबल मोल्डिंग के पर्दे हैं और सीधा सैंपल है। इसकी हाइट हमने यहाँ तक रखी है, यानी ये 40 इंची के हाइट के ये पर्दे हैं, और बीच में वाइट पट्टी दी है, अभी पॉलिश बाकी है, आज इसकी पॉलिश हो जाएंगी। और कल इसको कैसे फिट करते हैं, सामने दर्शन पट्टी और मोल्डिंग पट्टी ये हम कैसे लगाते हैं, ये आप कल नेक्स्ट के वीडियो में देख सकते हैं। तो चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलिए मैं अभी आपको बता देता हूँ जो ट्रिक क्या है। ये देख सकते हैं इस बेसिंग में हमने क्या किया है, ये जो आप फ्राइवर देख रहे हैं, आप ये फ्राइवर चिपकाया हुआ है, ये फ्राइवर चिपकाया है हमने। एक फ्राइवर इस साइड देख सकते हैं, एक इस साइड देख सकते हैं, और एक इस साइड देख सकते हैं, और एक उसके अपोजिट है और एक नीचे है। तो इससे क्या हुआ कि इसमें थोड़ा सा वजन हो गया, और वजन होने की वजह से इसकी जो साउंड है इसका बेसिंग का वो चेंज हो गया। जैसे मैं आपको बजा के दिखा देता हूँ, ये देखो, यानी एकदम स्ट्रॉन्ग भी हो गया, और इसमें वजन होने की वजह से इसका जो साउंड है वो मतलब न के बराबर हो गया, एकदम बिल्कुल कम हो गया। तो आप भी ये फ्राइवर, मैंने कहाँ से लाया, ये फ्राइवर हमने जो साइकिल की दुकान होती है, पंचर की दुकान, वहाँ से वो फ्राइवर लेके आया था मैं, और इसको सिंपली हमने चिपका दिया है। तो दिखने में भी अच्छा लग रहा है, ऐसा कुछ नहीं है, और वैसे भी ये एक ट्राली वगैरह दरवाज़ा वो बनने के बाद में ये अंदर छुप जाएगा और इसमें आवाज़ भी नहीं करेगा। तो आप ऐसा आप अपने मिस्त्री के द्वारा करवा भी सकते हो, और मिस्त्री यदि वीडियो को देख रहे हैं तो ऐसा कर सकते हैं, ताकि आपका काम की क्वालिटी भी अच्छी लगे और आपका नाम भी हो। तो ये कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है,
सिंपली आपको थोड़ा सा इसको देखना पड़ेगा कि आपके नियर अबाउट कहाँ पे ये चीज़ मिलेगी। तो ये थोड़ा हार्ड हार्ड है जो आप ये देख रहे हैं, ये देख सकते हैं आप। तो ये सिंपली ये चिपकाने से इसका जो साउंड है वो बिल्कुल पूरा गायब हो गया। अभी नेक्स्ट मैं आपको दिखाता हूँ इसमें कैसी आवाज़ आ रही है। ये देख सकते हैं दोस्तों, इसमें इस टाइप की आवाज़ आ रही है। ये जब पानी आप डालेंगे तो पानी से भी आवाज़ आएगी, और ऐसे बर्तन भांडे इसमें रखेंगे तो भी आवाज़ आएगी। तो देखा आपने, सुना दोस्तों आवाज़ कैसी, दोनों बेसिन की आवाज़ में डिफरेंस है। तो इस टाइप से आप भी कर सकते हैं। और ये देख रहे हैं ये जॉइंट, जॉइंट में आप एरोडाइट में ब्लैक कलर मिला के आप इस प्रकार भर देंगे तो कभी यहाँ से लकीज होने का डर भी नहीं रहेगा, प्लस पत्थर की जो पकड़ है वो भी मजबूत रहेगी। तो इस प्रकार आपको करना चाहिए ताकि आपका नाम ऊंचा रहे और आपको काम भी मिले और आपका सब कुछ अच्छा अच्छे से चलता रहे। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और प्लीज़ अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और दोस्तों के साथ में शेयर करके हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ाइए। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, थैंक यू, बाय, टेक केयर, गुड बाय।